हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज प्रधानी जो आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वेलोसिटी एडिशन थ्योरम पे ये बेस्ड, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल है, टू पार्टिकल्स कम्स टुवर्ड ईच अदर विद वेलोसिटी ऑफ 0.9c, व्हाट इज देयर रिलेटिव स्पीड, ठीक है। सपोज करो एस इज द रश फ्रेम है, एस देयर मूविंग फ्रेम है, दो पार्टिकल क्या है आपस में क्या है अप्रोच कर रहे हैं 0.9c से, तो इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी 0.9c प्लस 0.9c 1.8c हम तुरंत जो है वो उसको 1.8c कैलकुलेट कर देंगे, पर ये रॉन्ग है क्योंकि कोई भी पार्टिकल जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता, ये हमें पता है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या ट्रिक लगाना पड़ेगा, हमें ये ट्रिक लगाना पड़ेगा कि ए और बी जो दो ऑब्जेक्ट हैं, दो पार्टिकल हैं, हम क्या करते हैं इस बी पार्टिकल को इस एस डैश फ्रेम में रख देते हैं या एस डैश फ्रेम को इस पार्टिकल में रख देते हैं, ठीक है। तो एस और एस डैश के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी कि बी पार्टिकल इस तरफ आया तो टोटल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी 0.9c माइनस, क्योंकि एस डैश जो है वो इस बी के ऊपर है तो ये माइनस 0.9c की स्पीड से जो है वो ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब कि एस डैश और एस के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी माइनस 0.9c होगी, ठीक है। अब ए जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी जो है वो रस फ्रेम क्या मेजर करेगा, यू इज इक्वल टू 0.9c। अब यू डैश क्या मेजर करेगा, मतलब कि ये जो एस डैश फ्रेम है वो क्या मेजर करेगा, यू डैश क्या मेजर करेगा वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। स्टार हम पुट करेंगे तो यू डैश कितना हो गया बच्चों, यू कितना है 0.9c और ये कितना है माइनस, वी कितना है माइनस 0.9c अपॉन 1 माइनस वी कितना है माइनस 0.9c और ये कितना है 0.9c यू अपॉन सी का, सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा तो टोटल यू डैश हमारा आएगा 1.8c और ये टोटल हो गया 1 माइनस तो ये हो गया 1.81, तो ये हमारे पास 0.994c, ठीक है। तो यहां से हमें यू पता चल गया 0.9c, यू डैश हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया और ट्रिक लगा के हमने इस ये जो दोनों फ्रेम के रिलेटिव वेलोसिटी को v = -0.9c कैलकुलेट कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है।